हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, UPSSC की तरफ से हम बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हैं जो कई महीनों से UP लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, लेखपाल भर्ती से संबंधित, जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन मिल गया है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट हमने पिछले हफ्ते ही बताई थी आपको कि लेखपाल भर्ती का अध्याचन जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल गया है, जिसमें कि लेखपाल के 6000 पद खाली हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो नए अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी बने हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि इसकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी कराई जाए और उसी के संबंध में एक नया निर्देश जारी हुआ है। तो 6000 पदों की भर्ती, बम्पर भर्ती अगले महीने से शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर और क्या है अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, यहाँ पे इधर लेखपाल के 6000 पदों पे भर्ती की तैयारी चल रही है। जी हाँ, यहाँ बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, राजस्व लेखपाल के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्व लेखपाल के करीब 6000 पदों की तैयारी है। जी हाँ, भर्तियों की तैयारी है। तो यहाँ पे 6000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी कि लेखपाल की भर्ती में करीब 6000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने प्रस्ताव तैयार करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे आपको प्रवीर कुमार अभी जो राजस्व परिषद के चेयरमैन थे, अब वो UPSSC के चेयरमैन हो गए हैं। तो अब इन्होंने निर्देश दिया था, अब ये वहाँ से फ़ोन या वहाँ से मंगा सकते हैं कि अध्याचन वहाँ से आ जाए। तो अब इसकी अध्याचन मिल चुका है और इसका जो है जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे आपको लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस बार भर्ती बिना इंटरव्यू के होगी। CM आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों में खाली पदों की भर्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद संबंध में कार्रवाई अटके रहने पर लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद के चेयरमैन के सामने यह मामला उठाया था। तो ये बड़ी अपडेट है उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो लेखपाल भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, और उनके लिए अब लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कि बिना इंटरव्यू को होगी पहली लेखपाल भर्ती। जी हाँ, योगी सरकार ने समूह गा के रिक्त पदों की भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी है। इंटरव्यू व्यवस्था समाप्त होने के बाद लेखपालों की यह पहली भर्ती होगी। इससे पहले जो लेखपालों की भर्ती होती थी वो लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर होती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो ये बड़ी अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि लेखपाल की भर्ती का लगातार इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जल्दी ही इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी माह में UPSSC की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। सिलेबस आपको पता है कि इसमें CCC अनिवार्य रहेगा, CCC कर लीजिए जिनके पास ना हो। उसके अलावा सभी इसमें अब क्वालिफिकेशन 10+2 ही रखेगा। तो ये बड़ी अपडेट है 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कि ये विज्ञापन जल्दी जारी होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।